टीवी पर जल्द ही बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल इस टीवी का ओटीटी वर्जन चल रहा है जिसका फिनाले 18 तारीख को है, जिस पर इस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो पर हर किसी की नज़र बनी हुई है। वहीं इस बीच कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि बिग बॉस के विनर और 3 रनर अप्स को बिग बॉस 15 में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, लेकिन अब कुछ इसके अपोजिट खबर मिल रही है कि ओटीटी विनर का खिताब एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल के नाम लगने वाला है। और ये खबर आ रही है कि उन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस शो का खिताब अपने नाम कर सकती है। वहीं ताज़ा दावा ये भी है कि बिग बॉस ओटीटी का विनर बनने के बावजूद भी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में दिव्या अग्रवाल की एंट्री नहीं होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस शो में शमिता शेट्टी और राकेश बापट को सीधे एंट्री मिलने वाली है, जबकि प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल के नाम अभी फिक्स नहीं हैं। बता दें कि दिव्या अग्रवाल को बिग बॉस 15 में निर्माता एंट्री कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्ट्रेस ने बिग बॉस ओटीटी में कुछ मसालेदार कंटेंट नहीं दिया है। और ये भी मानना है कि वो ओटीटी वर्जन जीत जाती हैं तो इसके बाद वो बिग बॉस 15 में हार जाएं, ये काफ़ी अजीब लगेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि दिव्या अग्रवाल के अलावा प्रतीक सहजपाल, जिशान खान और उर्फी जावेद को मेकर्स बिग बॉस 15 में एंट्री करवा सकते हैं। प्रतीक सहजपाल को शो के रनर अप होने के नाते उर्फी जावेद पहले हफ्ते में बाहर हो गई थी इसलिए, और जिशान खान ऑडियंस वोट नहीं बल्कि मारपीट की वजह से बाहर निकाले गए थे, इसलिए इन दोनों कंटेस्टेंट को बिग बॉस 15 में बुलाया जा सकता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.